नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर से, बहुत आसान तरीके से आप ये टैसल बना सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ये एंकर थ्रेड लेंगे, आप कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं। इस तरह से इस धागे को हमें सुई में पिरोना है और यहाँ पर हमने लिए हैं थोड़ी बड़ी साइज़ के ये मोती। आप कोई भी गोल्डन बीड्स ले सकते हैं, ये बीड्स लेने हैं हमें। यहाँ पर ये 3 बीड्स लेंगे हम और इसे धागे में पिरोना है। इस तरह से पिरोने के बाद सुई को हम निकाल देंगे और धागा, जैसे हम टैसल बनाते हैं या लॉन्ग टैसल्स, उसके लिए जैसे हम इसे गत्ते के ऊपर लपेटते हैं, वैसे ही धागे को लपेटना है। इस तरह से काफ़ी सारा धागा, जैसे जितना आप थिक आप ये टैसल बना रहे हैं, उसका आधा हिस्सा लपेटने के बाद हमें ये तीनों मोती को एक साथ में यहाँ अटैच कर देना है। उसके बाद में आधे जो धागे हैं यहाँ पर, उसके बाद में लपेटने हैं, यानी कि ये जो मोती है वो बीच में आने चाहिए। इस तरह से ये धागा लपेटने के बाद यहाँ पर इस तरह से पकड़ के हम इसी धागे को इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर गांठ दे देंगे, ताकि अब इसे हम बाहर निकालेंगे इस गत्ते से तो ये खिसके नहीं। इस तरह से इसे बाहर निकालने के बाद ऊपर का जो धागा है, अभी यहाँ पर जो हमने इसे गांठ दी है, इसमें एक और गांठ दे देंगे टाइट, ताकि ये यहाँ पर जैसे सेट रहे। उसके बाद में लेंगे ये जरी का धागा, जरी का गोल्डन कलर का धागा लेंगे और ऊपर के हिस्से से इन दोनों ये धागे को सही से पकड़ के और इसे सेट करके ये गोल्डन धागा इसके ऊपर लपेटना है। और अच्छे से लपेटने के बाद इसकी गांठ दे देंगे और एक्स्ट्रा धागा कट कर देना है। अब ये हमारा ऊपर का हिस्सा हुआ। आप जहाँ भी इस टैसल को अटैच करना चाहते हैं, इस हिस्से से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो मोती थे, ये अंदर की साइड में हैं, इनको एक एक अंदर डालना है। ये धागे के बीच में हैं और इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ऊपर की ओर ले जाने के बाद इसकी दोनों साइड में ये जो धागे हैं, इसे कवर करना है अच्छे से और फिर इस तरह से पकड़ के यहाँ पर वापस ये जरी का धागा लेना है और इसके ऊपर लपेटना है। जैसे हमने पहले लपेटा था वैसे ही लपेटना है। और चारों ओर आपको चेक भी करना है कि जो आपका बीट्स है वो कहीं दिख तो नहीं रहा, अच्छे से कवर हुआ है या नहीं। जब सेंटर में डालते हैं ये जो बीट्स मोती हमने बीच में डाले हैं, इससे यहाँ पर कोई धागा दिखेगा नहीं। ऐसे ही आगे से आगे हमें ये मोती को आगे डालना है और फिर जरी के धागे से इसे लॉक करना है। इस तरह से इस टैसल बनाने में बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि जो भी आप बीट्स ले रहे हैं वो सेंटर में ही हमें एक पिरोने हैं। टैसल बनाते सब जो धागा लपेटते हैं वो उसकी सेंटर के हिस्से में मोती को पिरोना है, उसके बाद में इसे आगे से आगे इस तरह से अटैच करना है। अभी हमारा तीसरा मोती भी इसी तरह से हम अटैच करेंगे और यहाँ पर हमने ये अटैच कर दिया है।
और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये तीनों अटैच हो गए हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसे कट करेंगे, जो फोल्डेड में हैं उन्हें अलग करेंगे और फिर इसे ट्रिम करेंगे इक्वल करने के लिए। इस तरह से ये टैजल बहुत आसानी से बन जाएंगे बिना ज़्यादा मेहनत के और फिनिशिंग के साथ में रहेंगे। इन्हें बहुत यूज़ कर सकते हैं आप अपने को भी लटकन्स में, कुर्ती की डिज़ाइंस में या ब्लाउज़ की बैकनेक की डिज़ाइन में। ये बहुत अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सही फिनिशिंग के साथ में ये अटैच हुए हैं और ऊपर से भी धागा यहाँ पर है, जो आप कहीं भी लटकाना चाहते हैं वहाँ लटका सकते हैं या फिर सुई धागे से इसे अटैच कर सकते हैं। इन्हें मल्टी कलर्स के धागों में भी बना सकते हैं, उससे भी इसका लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।